हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोना। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आप सभी क्रिसमस और न्यू ईयर में अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को चॉकलेट्स गिफ्ट करते होंगे। तो चलिए आज हम घर पे फेरेरो रोचर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। वो भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं दिखाने वाली हूँ। ये चॉकलेट आप घर पे बनाइए और फिर अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को गिफ्ट कीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चॉकलेट कैसा लगा। इसके लिए हमें चाहिए मॉडे कंपनी का मिल्क कंपाउंड, नटेला, कटी हुई काजू, हेजलनट और वेफर कप्स। ये जो नटेला है ना, इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। इससे क्या होगा ना, हम जब उसमें बॉक्स में डालेंगे, जो वेफर बॉक्स में डालेंगे, तो वो नीट होगा। ऐसे नहीं तो वो अच्छा से नहीं होगा, कहीं गिर उड़ जाएगा। इसलिए मैं पहले पाइपिंग बैग में डाल के उसके बाद वेफर के अंदर फिल करूँगी। ये देखिए, ये जो वेफर है ना चॉकलेट का, ये वेफर आपको कोई भी दुकान से मिल जाएगा। जहाँ केक या चॉकलेट का आइटम मिलता है उस दुकान पे ये फेरेरो रोचर का वेफर बोलते हैं इसको, ये मिल जाएगा आसानी से। अब ये जो मैंने पाइपिंग बैग में डाला है, इसको मैं क्या करूँगी, इसमें फिल करूँगी न्यूटेला को। न्यूटेला लिया है मैंने, आप चाहे तो हेज़लनट का एक पेस्ट आता है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास हेज़लनट का पेस्ट नहीं था, इसलिए मैं ये फिल कर रही हूँ न्यूटेला। ऐसे इसको फिल करना है, इससे क्या होगा ना, नीट होगा। आप चम्मच से डालेंगे तो इतना नीट नहीं होगा। ऐसे मैं सभी जितना बनाना है उतना मैं फिल कर लूंगी ऐसे। देखिए, इस तरह से मैंने सब शेल्स को भर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हेज़लनट मैंने लिया है वो सबको एक एक में डालेंगे, एक एक करके सब में डाल देंगे। इस तरह से मैंने एक एक डाला है, और दूसरा जो हाफ है उसमें नहीं डालेंगे, एक हाफ में डालेंगे, दूसरे हाफ को इससे कवर करेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाऊंगी कैसे कवर करना है। ये मॉडे कंपनी का मिल्क कंपाउंड है, हमें मिल्क कंपाउंड लेना है। आप डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं, पर मिल्क कंपाउंड से ही जनरली बनता है, इसलिए मैं मिल्क कंपाउंड। और 2M कंपनी एक आता है वो लीजिएगा, वो अच्छा है। वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं मॉडे ले रही हूँ। 2M से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, पहले चॉप कर लेंगे। ये सब रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। इसको मैं ऐसे चॉप कर लूँगी। चॉप कर लूँगी इसको, फिर हम इसको मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव पे। ऐसे धीरे धीरे चॉप कर लेना है। चॉप करने से क्या होगा, आपका मेल्ट जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ऐसे चॉप कर लिया, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मेल्ट करेंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है,
30 सेकेंड से ज़्यादा करेंगे तो चॉकलेट जल जाने का चांसेस रहता है। 30 सेकेंड करिए, फिर इसको थोड़ा ब्रेक देके फिर 30 सेकेंड करना। अब हम इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, ठीक है। थर्टी सेकेंड हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेंगे अपना चॉकलेट को। देखिए ये कुछ भी नहीं हुआ है, और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा हिला लेंगे ताकि ये जो नीचे का मॉइस्चर है वो ऊपर अच्छी तरह से, देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा गलने लग गया है, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 30 सेकेंड के लिए इसको फिर से माइक्रोवेव करेंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लीजिए। उसके बाद देखिए साइड से मेल्ट होने लग गया है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो बोल है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म है तो इसको तुरंत आप माइक्रोवेव में मत डालिए, इसको थोड़ा वार्म जैसे हाथ में पकड़ सकते हैं इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको हिला दिया है। अब हम फिर से इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। अब ये अच्छी तरह से गल चुका है, इसको थोड़ा हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये जो बबल्स है ना ये चला जाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग करना कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से, इससे क्या होगा, चॉकलेट का साइन आएगा। इसको अच्छी तरह से हिलाइए और जो बबल्स है वो नहीं आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बबल्स दिख रहा है ना आपको, इसको अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे फिर ये बबल्स चला जाएगा। इसको और थोड़ा 20 सेकेंड के लिए मैं माइक्रोवेव करूँगी। मैंने फिर से इसको 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया। इसको अब अच्छी तरह से हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। गर्म है, इतना गर्म नहीं यूज़ करना है हमें, थोड़ा इसको ठंडा करना है। ये देखिए मैंने हाफ में फिल किया है हेजलनट और हाफ में सिर्फ नटेला डाला हुआ है। तो क्या करेंगे, एक जो नटेला डाला है वो पीस लेंगे और एक जिसमें नहीं डाला है वो लेंगे। डाल के अब दोनों को ऐसे हम बंद कर देंगे। ये जो चॉकलेट है ना जो मैंने मेल्ट किया है उससे क्या करेंगे, ऐसे साइड में कर देंगे और इसको बंद कर देंगे ऐसे हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। उससे क्या होगा, ये टूट जाएगा, वेफर है ये, बिस्किट का है ना तो ये टूट जाएगा। आपको हल्के हाथों से इसको चारों तरफ से चॉकलेट से फिल कर देना है ऐसे। इससे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा ऐसे ऐसे करके आप इसको कोई प्लेट में या ऐसे, अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड है तो ऐसे मोल्ड में रख दीजिए। ये देखिए ऐसे पहले चारों तरफ से इसको चॉकलेट डाल ये कर दीजिए, चॉकलेट लगा लीजिए। अब जो दूसरा वाला है उससे इसको ऐसे बैठा दीजिए, बैठा के ऐसे पकड़ के चारों तरफ से ऐसे चॉकलेट से बंद कर दीजिए इसको। ऐसे हम सभी को कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने सभी को ऐसे क्लोज कर दिया है, ठीक है, सभी शेल को बंद कर दिया। अब हम इसको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए 10 मिनट हो चुका है, अब मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप 2-4 मिनट के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं, पर ऐसे नॉर्मल फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे एक एक करके ऐसे निकालेंगे
ऐसे निकालेंगे और इसको इसमें डिप करेंगे, ये चॉकलेट में इसको अच्छी तरह से ऐसे डिप कर लीजिए, अच्छा तरह से रोल कर लीजिएगा अच्छी तरह से। रोल करके फिर इसको ऐसे निकाल के और एक मोल्ड में रखिए या प्लेट में रखिए, इस तरह से ऐसे धीरे से रखना है, ऐसे सभी को करना है, सभी बॉल्स को ऐसे हम चॉकलेट में डिप करा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने सभी बॉल्स को कोट कर लिया है चॉकलेट से, अच्छी तरह से कोट करना है। अब हम इसको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। देखिए अब 10 मिनट हो चुका है, ये जम चुका है, ठीक है। अब हम इसको धीरे से ऐसे निकल जाएगा, इसका मतलब निकल गया है, अपने आप निकल गया मतलब ये हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें चॉकलेट लगाएंगे इसके ऊपर, और ये जो काजू का ये है टुकड़ा है उसको पहले चॉकलेट लगा के इसके चारों तरफ चॉकलेट लगाएंगे ऐसे ऐसे हल्का हल्का से, और ये काजू को अंदर इसको डालेंगे ऐसे रोल करेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हो या तो रोल भी कर सकते हो, ऐसे चिपकाना है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डालिए और ऐसे रोल कीजिए इसको, अच्छी तरह से रोल कर दीजिए। ज़्यादा चिपकाना है तो ज़्यादा डाल दीजिए चॉकलेट, इस तरह से, ठीक है। इसमें डिप करा दीजिए पहले, डिप करके फिर इसके अंदर, अब मैं आप लोगों को इसको कैसे पैकिंग किया जाता है वो मैं दिखाती हूँ। ये गोल्डन रैपर्स या सिल्वर रैपर्स या कोई भी कलर का रैपर्स आप लोगों को कोई भी कन्फेक्शनरी शॉप या बेकरी शॉप जो होता है जिसमें चॉकलेट और बेकरी का आइटम मिलता है वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा ये, तो इसको ले लीजिए। और फेरेरो का पैकिंग इस तरह से ही होता है, ऐसे इसको रखिए, रख के ऐसे इसको फोल्ड कर दीजिए। ये छोटा है तो मैं क्या करूँगी, और एक लूँगी और एक रैपर लेके इसको पीछे से कवर कर लूँगी, ऐसे पीछे से भी इसको कवर कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से अब दोनों तरफ से कवर हो चुका है, ये हो गया। और ये लाइनर भी मिल जाती है दुकान में आसानी से, कोई भी केक बेकरी या चॉकलेट का दुकान में मिल जाएगा, जहाँ चॉकलेट बेकरी सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। अब इसको ऐसे रख दीजिए, देखिए लग रहा है ना पूरा बाजार जैसा फेरेरो रॉचर। अब हम इसको इस तरह से सभी को पैकिंग कर लेंगे, और ये चॉकलेट का बॉक्सेस भी मिल जाती है, इसको ऐसे आप रख दीजिए। इसका बड़ा साइज़ भी मिलता है इस पैकेट का, मुझे मेरे पास नहीं था बड़ा साइज़ तो इसलिए मैं दोनों दो से कवर कर रही हूँ। इस तरह से पैकिंग करके देखिए, ऐसे पैकिंग इस तरह से सभी को कर लेंगे।
अगर वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।